लॉर्ड लिटन। इसका कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी के बीच चला। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं इतिहासकार था। साहित्य जगत में इसे ओवेन मैरी डिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़े। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नैक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस एक्ट को पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इसी के समय 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। भारतीयों द्वारा शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की।